दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मोबाइल मास्टर, मोगल दरबार, फ्रेस्प्रेसो कॉफी शॉप, न्यू सन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर एंड बाय मदीना चिकन वर्ल्ड। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर हुआ सरप्राइज इंस्पेक्शन एमएलए नॉर्थ मिस कनीज फातिमा जी का, जहां पर हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट बाहर आए और लोगों के गम भी। जहां लोगों की लंबी लंबी कतारें भी नजर आई और किचन का हाल भी। मैडम कनीज फातिमा ने सख्ती से मैनेजमेंट की इस तरफ आवाज उठाई और कहा कि सारे प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ किदवाई हॉस्पिटल का भी इंस्पेक्शन हुआ। हालत बोलने लायक नहीं है, लेकिन ये काम चलता रहेगा और ये आवाज उठती रहेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वर्कर्स की तरफ से भी एक मेमोरेंडम दिया गया मैडम कनीज फातिमा को, जहां पर उन्होंने उन सबको नौकरी पर वापस लेने की बात की। कई सारे पेशेंट्स गुस्से में हैं और अफसोस जता रहे हैं हॉस्पिटल सर्विस के बारे में। मौके पर मैडम कनीज फातिमा के साथ काफी सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनका बरखूबी साथ दिया। हॉस्पिटल में डायलिसिस वार्ड का भी इंस्पेक्शन लिया गया। हॉस्पिटल के अंदर गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है, ना कोई एसी वर्क कर रहा है। ऐसे हालत में पेशेंट का बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। उम्मीद करते हैं इस इंस्पेक्शन के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालात में कुछ बदलाव आएगा। कोर्स तनक अड़ा नोड़ोदी ಮತ್ತ ತನಕ ಅದು ಕೃಷಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಅನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅನಕ ಸುಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನಕ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೋಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನಕ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ 20-30 ಅನಕ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋರಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಕ ಭಾಳ ಅನಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ನಡೋ. यहाँ पे कैसा हो रहा बोले तो कैजुअल्टी पे कोई भी पेशेंट आने दो, कोई भी शिफ्ट नहीं करता. एम्बुलेंस आया बोले तो भी एम्बुलेंस को वो कोई तो एक आको उनको बोलना कि यहाँ पेशेंट आया है ले लो, फिर वो हो गया. फिर और भलाई के लिए कोई भी काम नहीं करेगा, हर एक पैसे मांगेगा. और उसको छोड़ को अलावा कैसा है बोले तो यहाँ पे कोई तो एक आको गंदा रहता बोले तो उसको आगे पीछे कोई नहीं रहते, बेकार रहते. उन्होंने सीधा से थे बोले तो उनको ट्रीटमेंट मिलता. अब कोई उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो उसको कोई भी नहीं रहता ना, गंदा रहे तो डॉक्टर भी उधर डाल दो बोलते हैं, उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता. यहाँ पे गुलबर्गा हॉस्पिटल में काम करने वाला औरत लोग 90 लोग औरत लोग है, 10 लोग जेंट्स है. पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं. पहले 400 रुपये काम पर महीने को पकड़ देते थे, अभी 15,000 पकड़ दे रहे हैं. अभी एक साल से इसको काम से निकाले सो है. पहले कैसा था 15 साल से पिछले, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर आया तो यही लोगों को लेकर काम चलाते थे और पगार अच्छा देते थे, सब करते थे. अभी नया कॉन्ट्रेक्टर गुलबर्गा रहने वाला लिए सो है, वो शरण प्रकाश पाटिल का आदमी है कहते बोलकर ये लोगों को हराजमेंट करे सो है. एक साल से कल दे तो परसों ले तो आगे ले तो वो बहाना करके करके ये लोगों को आगे ढकल कर पर बहुत परेशान करे सो है. ये क्या है बोलो तो गरीब बहुत गरीब लोग है, SC ST माइनॉरिटी लोग ही थे और दूसरा लोग रहे तो ऐसा काम नहीं कर देते. ये होना बोलकर SC ST लोग है, माइनॉरिटी के लोग है बोलकर होना बोलकर ही कर रहे हैं ऐसे. हो जाओ क्या हमारा ये लोगों को लेना है, काम को लेना और पगार कब से बैठे से है, कब से नहीं निकले से है, पगार देना, PF देना, उस कितने लेबर का फैसिलिटी रहता है वो देना और जरूर अभी अभी काम से लेना है, हमारा एक रिक्वेस्ट है. आज नॉर्थ की MLA कनीज फातिमा मैडम जन हॉस्पिटल गुलबर्गा विजिट करी. ये एक ऐसी विजिट थी आज तक किसी MLA या किसी मिनिस्टर ने इस तरह कभी जनरल हॉस्पिटल को नहीं. इस बात की खुशी है मुझे कि मैं इतनी कंप्लेंट तमाम लोगों को करने के बाद कोई ऐसा काम नहीं करे. इस 3-4 महीने की MLA मोहतरमा बगैर किसी फिक्र किए कि अपनी सिक्योरिटी की आई, पूरा सर्वे किया और पूरे सर्वे से पहले वो जब यहाँ हॉस्पिटल को आई तो ये मेरी माएँ बहनें जो पिछले कई साल से काम कर रही हैं आज इन पर जुल्म हो रहा है, इस वजह से इनसे बात की
उसके बाद अंदर गए और मैं भी इन तमाम माँ बहनों के साथ तब तक लड़ूंगा जब तक इनको हक नहीं मिल जाता। इनकी पुरानी नौकरी मिलना, इनकी नई सैलरी जो पहले थी उससे ज़्यादा मिलती है वो भी मिलना, मैं इनके साथ हूँ। और इसके अलावा और एक बात, जो भाभी ने पूरा सर्वे किया, हॉस्पिटल देखा कहाँ क्या कमी है, खाने में क्या परेशानी है, लोगों के बेडों पे क्या परेशानी है, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, नर्सेस क्या कर रहे हैं, वो तमाम देखने के बाद में आगे जाके इस हॉस्पिटल के लिए क्या सहूलत फराहम कर सकते हैं वो बात करने के लिए वो डीन के पास गए और ये वादा करे हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको भी जयदेवा की तरह बना के बेहतर से बेहतर इंसानों का इलाज के लिए इलाज मुहैया करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, सार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गोहैश। फिलहाल आज हम हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहां पर एक सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ एमएलए नॉर्थ गुलबर्गा कनीस फातिमा जी की तरफ से, और एंटायर उनकी टीम यहां पर मौजूद थी। अंदर सारे डिपार्टमेंट्स को देखा गया, सारे हॉस्पिटल के बेडों को देखा गया, डायलिसिस की मशीन्स को देखा गया, तो काफ़ी सारे यहां पर फ्लॉज नज़र आए कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो वर्कर्स हैं जो पे लेबर काम करते हैं जिनको निकाला गया, तो मैडम ने सख्त सख्त इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी की और मैडम ने ये भी कहा कि वापस से इन सब लेबर्स को काम पे लगाने के लिए मैडम ने कहा जी। काफ़ी सही बात यहाँ पर कही। देखिए खास बात, जब खाने का मामला आ, तो खाने का मामला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा था, चावल उतनी क्वालिटी का नहीं नज़र नहीं आ रहा था, चावल उतनी क्वालिटी का नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ का दाल वहाँ के सालन और जितने लोगों को वो सर्व कर रहे थे वो बोलेंगे पर्सनली जाके सर्व कर रहे थे, आई डोंट थिंक उस तरह सर्व हो रहा था। तो वो पूरी चीज़ें पॉइंट्स अब सामने आ चुकी हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल छुप नहीं सकेंगे, अब जो पीछे काम जो चल रहे थे अब वो सब सामने आ चुके हैं यहाँ से, और अच्छा होने वाला है। एमएलए का कनीस फातिमा मैडम आगे लीड ली है, तो आप साथ में देखते रहिए हमारे चैनल्स को और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मोबाइल मास्टर, मुगल दरबार, फ्रेस्प्रेसो कॉफी शॉप, न्यू सन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर एंड बाय मदीना चिकन वर्ल्ड।